हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक, दिस इज सर पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम टाइप 3 एकेडमी पटना। कैसे हैं आप सब? आयो बहुत अच्छे होंगे। उसमें से आज हम लेके आए क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो। आज हम लेके आए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड का वीडियो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रिलेशन है मुझे निकालना। तो बेटा क्या करेंगे हम, किस मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कॉन्स्टेंट है। कैसी बेटा? कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ, क्या रखा हुआ यहाँ पे चार्ज? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक में चार्ज रखा हुआ है, फोर्स लगता है क्यू ई। क्या लगता है? फोर्स पता है आपको? क्यू ई। ओके, अब मान लो कोई चार्ज यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर पहुंच रहा है, यहाँ से 1 से 2 पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो कहानी क्या होगी बेटा? जब ये चार्ज यहाँ से पहुंचेगा, हमें यहाँ पे इसको पहुंचाना है, तो क्या होगा बेटा कि ये फोर्स यहाँ पे लगा है। अब क्योंकि हमें इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप 1 से लेके ऊपर लेके जाते हैं, तो जब इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो हर कंडीशन में हमें इतना फोर्स लगाना है। अगर मान लो अगर क्यू ई लगा है, तो जस्ट इसके अपोजिट माइनस क्यू ई फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स इसको बोलते हैं, क्योंकि हमें उतना फोर्स लगाना है जितना इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्योंकि हर जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहे, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको उठा के लेके जाएंगे, तो ये क्यू ई फोर्स है, ये माइनस क्यू ई फोर्स, ठीक है, उठा के इसको लेके जा रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लगा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, तो बेटा एक बात देखो, एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ई। डिस्प्लेसमेंट हम मान लीजिए इसका डेल्टा आ रहा है यहां से यहां तक का, ओके, तो वर्क हम निकालेंगे, वर्क के बाद ये सब चाहिए, तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना? माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर, माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा, ओके। अब एक बात देखो, इसका जो आंसर होता है वो डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई टू डेल्टा आर, ये रिलेशन होता है, इसको फाइंड करना है, इस फॉर्मूले को फाइंड करना है। कैसे करेंगे बेटा? मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी वन, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी टू, हम इसको यहां से उठा के जाए तो बी टू माइनस बी वन, तो होगा बी टू माइनस बी वन। मामला होता है वर्क अपॉन क्यू, मतलब एक्सटर्नल एजेंट से जो वर्क किया गया वो अपॉन वन से लेकर टू तक ले जाने में अपॉन क्यू, जिस चार्ज को उठा रहा है क्यू को उठा रहे हैं। अब देखो बी टू माइनस बी वन इक्वल्स टू क्यू ई इनटू डेल्टा आर, वर्क का एक्सटर्नल एजेंट में कितना करा क्यू ई माइनस से क्यू ई इनटू डेल्टा आर निकाल चुके, तो माइनस क्यू ई इनटू डेल्टा आर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा? डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई इनटू डेल्टा आर, डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई इनटू डेल्टा आर इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी में रिलेशन है, वो है डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई इनटू डेल्टा आर। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और नोटिफिकेशन जिससे आता रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।